एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का समय है, अभी 6:30 हो रहा है। तो मैं तो जगी हूँ कब का, 5:30 का है। तो मैं सोची कि चलो आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन अपना शेयर करूँ, मैं कैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में लड्डू को स्कूल भेजने से पहले मुझे क्या क्या करना होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग अपने घर में अच्छे से और स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन। मैं तो जगी हूँ कब से, तो इधर मैं फ्रेश फ्रेश हुई, उसके बाद ही काम करने में किचन में आए। तो चलिए मैं इधर आलू बॉयल होने के लिए, इसमें मैं आलू बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। उधर दूध रखी हूँ। अभी 6:30 हो गया है। लड्डू को 7 बजे मुझे नाश्ता देना होता है, उनको 8 बजे 8-10 में घर से जाना होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर बर्तन भी है। मैं रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसकी वजह से बर्तन भी नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं करूँगी बर्तन। तो चलिए पहले लड्डू को जगा लेते हैं, तब तक यहाँ आलू भी बॉयल होगा। इसमें मैं थोड़ा सा आटा गूंद के रखी हूँ बस लड्डू के लिए, उसके बाद सबके लिए बनाऊँगी, पहले उनको भेज लूँगा स्कूल। और मैं अपना कल किचन टूर ब्लॉग डालनी हूँ, तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए उस पर। अब बताइएगा कि मेरा छोटा सा किचन कैसा है। ये मेरे हस्बैंड का मेहनत का है, यहाँ जो कुछ भी है हम लोग खुद से किए हैं। तो चलिए आलू बॉयल होने देते हैं और लड्डू को मैं जगा लेती हूँ। तो इधर मैं लड्डू को जगाने आई हूँ। लड्डू स्कूल जाना है ना बेटा, उठ जाइए। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए बेटा। इधर देखिए लड्डू को मेरे, अभी लड्डू को मेरे 10 मिनट और सोना है। नहीं लड्डू, ठंडी लग रही है और यहाँ का मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया है बेंगलोर का। लाइए मैं पेट दबा देती हूँ, मन फ्रेश हो जाएगा, फिर उठ जाइए, ठीक है? तो अपना ब्लैंकेट छोड़िए, उसी पे सो गए हैं ना। तो चलिए मैं थोड़ा लड्डू को ये कर जगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लड्डू जग गए, थोड़ा 5-6 दिन से यहाँ बहुत ठंड टाइप का लग रहा है मॉर्निंग में, तो बच्चे उठने भी नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए मेरे लड्डू को, मेरी लड्डू उठ गई है। लड्डू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मुझे बोल दीजिए मुझे स्कूल जाना है। अभी सो के उठे हैं, तभी उनका बोलने का मन नहीं कर रहा है। चलो मैं पानी देती हूँ, प्रेस कराती हूँ, उसके बाद पानी ले रहे हैं गर्म करने के लिए, ठंडा थोड़ा सा पियेंगे, उसके बाद तुम्हें ले ली पानी गर्म कर। तो ये देखिए सुबह सुबह मम्मी बेटा का प्यार, मामा बेटा का प्यार हो रहा है ना। लड्डू, लड्डू का थोड़ा सा सर्दी हो गया है, तो इनको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा किसी दे दीजिए, प्यार कर दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, क्या हुआ लड्डू? किसी मार किसी, इचिंग हो रहा है बेबा को, किसी मारे बेटा। गुड मॉर्निंग किसी नहीं दिए, नहीं देने का मन है बेटा? ठीक हो गया मेरा। अच्छा, इनको चोट लगा था, वही दिखा, थोड़ा किसी करके दिखा दीजिए। मम्मी को गुड मॉर्निंग किसी देता हूँ मैं।
बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना बहुत मुश्किल वाला काम है ना लड्डू। अब मेरे लड्डू यहाँ ब्रश करेंगे। चलिए स्लीपर पहने, ठंडा है बेटा। पेंट मैंने काटा। कौन सा पेंट बेटा? वाला ब्लू वाला स्पोर्ट्स पेंट रखे हैं वहाँ डाइनिंग टेबल के चेयर पे रखे हैं। बाथरूम में लग गया, भींग गया होगा। नहीं रखे बाथरूम में, स्लीपर पहने स्लीपर। तभी इधर लड्डू मेरे ब्रश करने आ गए हैं और ब्रश कर रहे हैं। नहीं लड्डू तो लड्डू तो मैं जगह ली ब्रश करा रही हूँ किसी दिन को भूल के, क्योंकि बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं। अभी मैं कपड़ा भी नहीं चेंज करूँ, नाइटी पहन के ही रखती हूँ। अगर इनको छोड़ने जाऊँगी तो चेंज करूँ, उसके बाद भी आने के बाद बहुत सारा काम रहता है। आज तो बर्तन भी नहीं किए थे, कल रात में तो भी है, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, तो सब हो जाता है। कोई काम वाली नहीं है तो सारा कुछ करना है। लोन के लिए दो ये अमन छिल के रखे हैं, इसे दूंगी उनको। ब्रश करने के बाद मैं लड्डू को देती हूँ। सुबह सुबह तो खाना नहीं चाहते हैं, लड्डू ही दूंगी। बच्चों को थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाती है और कुछ भी नहीं खाना चाहते, थोड़ा सर्दी हो गया है। चलिए पहले उनको मैं उनका ये कराती हूँ, ब्रश व्रश क्लीन करा लो उसके बाद। तो मैं लड्डू को भी ब्रेकफास्ट दे दी, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, इनको खाने का मन नहीं। इधर देखिए तो आज ही दूध कॉर्नफ्लेक्स खा के जाएंगे स्कूल ना लड्डू। फेवरेट इनका फेवरेट है। जल्दी जल्दी करिए, 7:15 हो गया, 7:15 हो गया बेटा। चलिए लड्डू को मैं दे दी हूँ, धीरे धीरे खा लेंगे 15-20 मिनट में। तब तक उनके लिए उनका लंच पैक कर देती हूँ, और जो थोड़ा सा बर्तन है पहले वो मैं करूँगी, उसके बाद चाय बन रखूँगी। हस्बैंड भी जाएंगे तो उनको पानी दे दी हूँ, और उसके बाद मैं एक तरफ चाय रखूँगी और लड्डू का ये बनाऊँगी लंच। वैसे तो आलू मैं डाल दी हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए, इधर ऑनियन भी काट के रखी हूँ। बस मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोग को देखने को मिलेगा मैं लड्डू के लंच के लिए। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। मुझे मैं चाय बना लेती हूँ, थोड़ा बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं लड्डू का लंच बना ली हूँ। और मैं क्या बनाई हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आलू और प्याज का पराठा बनाई हूँ आज, तो सबके लिए बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में। लड्डू के लिए आप लोगों को आलू प्याज का रेसिपी जानना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ पूरा रेसिपी शेयर करूँगी। मैं इनको अभी लंच दे रही हूँ, मैं ऐसे रोल करके इनका लंच डालती हूँ। लड्डू को खाने में से इजी रहता है। इसमें सॉस डालूंगी, मैं लड्डू को लंच देती हूँ तो रोल करके ही देती हूँ। लड्डू को खाने में इजी रहेगा, रोल निकाल के खा लेते हैं तो ऐसे नहीं खा पाते। तो ये लड्डू का हो गया एक लंच बॉक्स। अब एक और मुझे देना है, तो कुछ भी आप स्नैक्स के लिए देना होता है।
देखिए दिख रहा है। उनके लिए मैं खाना फ्राई की अभी ये दूंगी छोटा सा। ये हो गया लड्डू का लंच, मैं इसको इसके बैग में डाल देती हूँ। ये लड्डू का मोटा मोटा मैं इसमें गर्म पानी डाली हूँ। और ये एक हैंकी, ये लड्डू का लंच बॉक्स बैग मैं इसी में डाल देती हूँ हैंकी। ठीक है मैं इसमें गर्म लंच डाल देती हूँ। और ये इसको मैं बंद करूँगा फटाफट, लड्डू को रेडी करूँगा। ये हो गया मैं उनका स्कूल बैग में वाटर बॉटल डालूंगी। हाँ तो मैं अभी लड्डू को रेडी कर ली हूँ और जा रही हूँ छोड़ के आने 8:15 हो गया, 8:25 तक लड्डू को छोड़ना होता है। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया आएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।